हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार फाइनली आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। एंड अभी जो आप लोग क्लिप देख रहे हो उसमें मैंने अभी जो एक्यूरेसी इंक्रीज वाला सेटिंग को अप्लाई नहीं किया है, ये उससे पहले का क्लिप है। एंड अब यहाँ पे मैं जब पूरा फुल सेटिंग कर लेता हूँ उसके बाद का ये क्लिप है। तो यार दोनों में अंतर आप लोग देख रहे होगे यार कितना ज़्यादा है, और इसमें कितना रेड नंबर लग रहा है, और आप लोग भी ऐसा कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आज आप लोगों को पूरा फुल बताने वाला हूँ कि रेड नंबर का पूरा फुल सेटिंग। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आप लोग कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं फ्लाइट जी Q1 का यूज कर रहा हूँ। आप लोग अगर पांडा माउस प्रो यूज कर रहे हो तो उससे भी आप लोग इजीली अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मोबाइल से ही खेलते हो तभी भी ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इन सभी ट्रिक्स में मैंने सारे इक्विपमेंट इसमें गन में अटैच करके तब मैं आप लोगों को ट्राई करके बता रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे जो क्लिप दिखा रहा हूँ उसमें मैंने अभी डायरेक्ट मतलब प्ले कर रहा हूँ, और इसमें पूरा फुल मेरा फ़ोन है वो पूरा फुल्ली नॉर्मल है। और नॉर्मल में जब आप लोग खेलते हो तब आपका जो ड्रैगिंग स्किल है तो है बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, जिससे आप लोगों का मतलब गन रिकॉइल भी आप लोग इसको कह सकते हो। तो यार बहुत ही ज़्यादा ये रिकॉइल कर रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल बताता हूँ, इसका सेटिंग बताता हूँ, जिससे आप लोगों का ये रिकॉइल बहुत हद तक कम हो जाता है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। एंड अब यहाँ पे आप लोगों को मैं वो सेटिंग्स पूरा फुल्ली बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। एंड यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को इसमें डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आप लोगों को सिंपली अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में चले जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को बिल्ड नंबर या फिर आप लोगों को MIUI नंबर पे 7 to 8 टाइम तक क्लिक करके आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। एंड जस्ट ये ऑन हो जाता है तो आप लोगों को एडिशनल सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। एंड जस्ट इसमें आप लोगों को क्या काम करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन के अंदर आके आपको डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन करते रहना है, और उसके बाद आप लोगों को ड्राइविंग ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो ड्राइविंग है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करना है। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को DPI के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो यार DPI अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो यार आप लोग बिल्कुल भी मत करो, जिससे आप लोगों का फोन जल्द से जल्द खराब होने का चांसेस रहता है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग DPI का यूज बिल्कुल भी मत करो, या फिर अगर आप कीबोर्ड एंड माउस से खेलते हो तो आप लोग एप्लीकेशन के जरिए ही बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो। बाय द वे हम लोग इंक्रीज एक्यूरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे विंडो एनिमेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1x स्पीड रहता है, बट आप लोगों को इसको ऑफ जब मैं कर देता हूँ, जस्ट अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कितना बेस्ट रहता है रखना। तो यहाँ पे मैंने जब ऑफ कर दिया तब आप लोग देखो जब बैक करते हो तो इसका एनिमेशन मतलब हट गया, डायरेक्ट बैक हो रहा है, और जब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका एनिमेशन हट गया, जिससे ये पता चलता है कि आपका क्लिक है जस्ट आप लोग क्लिक करते हो उसी टाइम में स्क्रीन रिएक्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 0.5 या फिर 0.5x पे आप लोग रखा करो। ओके, तब आप लोग देखो एकदम हल्का सा इसमें एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये परफेक्ट है क्योंकि इसी सेटिंग पे मैं हमेशा खेलता हूँ, एंड ये सेटिंग परफेक्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी 0.5 रख लो। एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि आप लोगों को एसेसिबिलिटी पे चले जाना है। एसेसिबिलिटी जाने के बाद यहाँ पे फिजिकल का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद टच एंड होल्ड डिले पे आपको क्लिक कर देना है। आपका बाय डिफॉल्ट मीडियम रहेगा, आप लोगों को इसको शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। एंड जस्ट शॉर्ट पे जब आप लोग क्लिक कर देते हो तब आप लोगों का पूरा फुल्ली मैजिक रेडी है, बस आप लोगों को अपने गेम में चले आना है। एंड उसके बाद अब ट्राई करना है कि आपका कितना नेक्स्ट लेवल का एक्यूरेसी हुआ। बस आप लोग जैसे अपना प्रैक्टिस किए हो वैसे ही आप लोग खेलो। ओके, एंड अभी भी आप लोग देख रहे हो कि सारे इक्विपमेंट इसमें लगे हुए गन में। एंड अब यहाँ पे आप लोग क्लिप में देखो कि कितना नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया। पहले तो यार सर के ऊपर से जाता था या फिर बॉडी लगते लगते 1-2 हेड लगता था, बट अब यहाँ पर देखो अक्सर सारे गोली मेरे हेड पे लग रहा है। एंड होता है
मतलब ये बॉडी शॉट भी लगता है, क्योंकि यार मैं तो एम्बॉट यूज़ करता नहीं हूँ, या फिर आप लोगों को भी नहीं करना, क्योंकि यार ये सब फालतू है, गेम को ख़राब कर देता है। इसीलिए आप लोग अपना खुद का स्किल से खेला करो यार, बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो कि कितना मस्त नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे हेडशॉट रेड रेड नंबर का लग रहा है। बस यही सब सेटिंग आप लोग जब कर लेते हो तब आप लोगों का भी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और इससे आप लोग ये मत डाउट रखना यार मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल भी फ़ोन ख़राब नहीं होगा। आपने DPI यूज़ नहीं किया है, बस आपने बस इसका जो एनिमेशन है उसको कम किया है। तो फ़ोन का एनिमेशन कम करने से आपका फ़ोन को कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आपका फ़ोन में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसी तरीके से करके आप लोग भी ईजिली अपना गेम को इम्प्रूव कर सकते हो, अपना एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा या हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ऐसा कंटेंट मिस ना करने के लिए। एंड अगर आप लोगों को मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो यार दूसरे चैनल पर मैं ओनली गेम प्ले ही अपलोड किया करता हूँ, जैसे 1v4 या फिर 1v3, 1v2 या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। तो इसी रिलेटेड मैं बहुत ही ज़्यादा उस पर गेम प्ले भी अपलोड किया करता हूँ, तो आप लोगों को गेम प्ले देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे सोनू इज लाइफ चैनल पे मैं हमेशा गेम प्ले ही अपलोड किया करता हूँ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो वो वीडियो भी आप लोग इजीली देख सकते हो। तो यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले, क्योंकि मैं उस पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हूँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैंने 2 गेम प्ले वीडियो अपलोड किया। यार क्या ही नेक्स्ट लेवल का BR रैंकेड में क्या ही तबाही मचा है, आप लोग यार एक बार ज़रूर से वॉच कर लेना। ओके, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को लगा दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना। और साथ में अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, मतलब इंस्टाग्राम पे भी जल्द से जल्द 5K तक कंप्लीट करना है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए। तरीका है भीख मांगने का।